नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आज के onlyhybrid.com के इस YouTube वीडियो में। दोस्तों, आज हम दोबारा आपके सामने एक नया विषय लेकर के हाजिर हुए हैं। आज के टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक बार आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नए वीडियोस का पता लगता रहे, और दोस्तों शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रगण भी, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी इन वीडियो से लाभान्वित हो सके, इसका लाभ ले सके। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे चेहरों पर कुछ बारीक से दाने हो जाते हैं अक्सर, इसके बारे में कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो अक्सर जवानी में चेहरे की समस्याओं से काफी रूबरू होना पड़ता है, तो ऐसे में युवाओं को अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान देना होता है। ज्यादा तला हुआ, मसाले वाला फास्ट फूड, जंक फूड आदि नहीं खाना चाहिए, और इसके साथ ही रोज सुबह उठकर 3-4 ग्लास पानी पीना चाहिए, खुली हवा में सैर करनी चाहिए। तो क्योंकि आजकल हम लोग ऐसी चीजों से काफी दूर हो चुके हैं, तो नेचुरल एनवायरनमेंट हमारे आसपास कम ही देखने को मिलता है। तो अगर आपके चेहरे पे ऐसी कोई दानों की समस्या है, अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आज का नुस्खा आपके लिए है। आइए देख लेते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। बेदाग त्वचा के लिए नींबू की चाय से चेहरे को धोने से आपकी त्वचा में मौजूद काले धब्बे आसानी से साफ हो सकते हैं। यदि आपकी त्वचा बहुत ज्यादा तेलीय हो या ऑयली हो, तो आप अपनी त्वचा को नींबू की चाय से धोएं, आपको इसमें बेनिफिट होगा। मुलायम और साफ चेहरे के लिए हमेशा अपना चेहरा नींबू की चाय से धोएं, इससे आपको फायदा होगा। और जले कटे के निशान अगर हैं फेस पर, तो नींबू की चाय से चेहरे को धोएं, इससे ये निशान साफ हो जाते हैं। और दोस्तों देख लेते हैं नींबू की चाय बनानी कैसे है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक गिलास में पानी लें और इसे पेंदे में डालें और थोड़ी देर के लिए उबालें। अब इसमें थोड़ी मात्रा में चाय पत्ती डालें और थोड़ा सा उबालें। 2-3 तुलसी के पत्ते भी डालें। अब इसमें आधा नींबू का रस डालें और 1 कप या गिलास में छान लें, और आपकी नींबू की चाय तैयार है। इसमें आपने कोई चीनी या मीठा नहीं डालना है। और दोस्तों इसके इस्तेमाल की विधि इस तरह से है, इस चाय को थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए, इतना कि ये चेहरे पर लग सके, किसी किस्म की जलन ना हो। इससे आप धीरे धीरे अपने चेहरे की धुलाई करें। धोने के 15 मिनट तक इसको लगा रहने दें। 15 मिनट के बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें, और हो सके तो इस पर एलोवेरा जेल लगा लें। आपका चेहरा 10-15 दिनों में ही आकर्षक और कांतिमय हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही इजी प्रयोग है, आप घर पे कर सकते हैं। और अगर ये छोटा सा प्रयोग करने से आपके चेहरे की स्किन पर कोई पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। तो आप ये करके देखें, और आपके जो भी फीडबैक्स हैं कमेंट्स हैं वो